नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको Realme के अपकमिंग स्मार्टफोन Realme X3 के ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी रूमर में ये बात बहुत चल रही है कि दोस्तों जो ओप्पो का A92s है, ये दोस्तों उसका रीब्रांडेड वर्जन बन के इंडिया में आएगा। तो दोस्तों, इस बात में सच्चाई तो दोस्तों देखी जा रही है, क्योंकि दोस्तों उसके जो स्पेक्स निकल के जितने भी आ रहे हैं वो A92s से बहुत मैच कर रहे हैं। एंड दोस्तों, आप तो जानते हैं Realme X3 Pro सुपर जूम एडिशन में आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों जो उसका नीचे जो लोअर वर्जन है Realme X3, उसमें आपको 765G देखने को मिलेगा, और यही सेम प्रोसेसर आपको A92s में भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, वैसे भी Oppo और Realme का दोस्तों आप तो जानते ही हैं, दोनों एक ही कंपनी है, तो लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोस्तों ये रीब्रांडेड वर्जन बन के आ सकता है। तो फिर दोस्तों, जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिस्प्ले टाइप से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्प्ले टाइप मिलेगा सुपर एमोलेड, जो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और एस्पेक्ट रेटियो की बात कर लें तो 20:9 एस्पेक्ट रेटियो देखने को मिलेगा, और ये दोस्तों कंप्लीट बेजललेस डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपको फ्रंट में दोस्तों एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको दोस्तों सिंगल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों रियलमी X3 की बात चल रही है, ना कि रियलमी X3 प्रो सुपर जूम एडिशन की। वहां पर दोस्तों आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ बात कर ले पिक्सल डेंसिटी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 401 PPI आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगा, जो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले टाइप भी सुपर एमोलेड मिल रहा है और 401 PPI भी मिल रहा है, तो स्क्रीन बहुत ही क्लियर होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा 120Hz का। दोस्तों 120Hz का रिफ्रेश रेट, तो दोस्तों इससे आप इस बात का अनुमान लगा लीजिए, इसका जो डिस्प्ले होगा ना वो दोस्तों किलर होगा, एकदम दोस्तों भयंकर वाला डिस्प्ले होने वाला है, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन भी है, PPI भी बहुत ज्यादा है, एंड यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी बहुत ज्यादा है, 120Hz रिफ्रेश रेट। तो दोस्तों डिस्प्ले में इसको कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। और दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आपको कितना स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा। तो 83.93% आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा, और वहीं स्क्रीन साइज की बात कर ले तो 6.57 इंचेस का आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। और वहीं बात कर ले स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में, तो 1080x2400 पिक्सल्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 765G, जो दोस्तों एक 5G मॉडम के साथ आने वाला प्रोसेसर है, और दोस्तों ये 5G प्रोसेसर है, सीधी सी बात है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा Adreno का 620, ये दोस्तों एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 64-bit पे दोस्तों ये बेस्ड है। वहीं दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को कैसा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। पहली बात तो यहाँ पर आप कोई भी गेम को अच्छे सेटिंग्स में खेल पाएंगे, PUBG, Fortnite, COD, Assault 9 Legends, आपको कोई लैग कोई ग्लिच देखने को नहीं मिलेगा, आपको परफॉर्मेंस एकदम अच्छा वाला मिलेगा। एंड 120Hz रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले है, तो आपको मक्खन जैसा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, सपोर्ट करता, जो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। आपको 30W का चार्जर इन बॉक्स देखने को मिलेगा। और अनदर फीचर्स की बात कर ले तो ब्लूटूथ वर्जन 5.0, 3.5mm जैक, USB टाइप सी कनेक्टिविटी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात कर ले तो कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 मिल सकता है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, इसका क्या प्राइस हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो Realme X3 है ना, वो इंडिया में ऑलरेडी आ चुका है। आपको ये कुछ दिन में दोस्तों ये लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, एंड दोस्तों आपको बहुत जगह अनबॉक्सिंग भी देखने को मिल जाएंगी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स कर भी देंगे। वैसे दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोल भी रहे हैं कि दोस्तों ये जल्द से जल्द लॉन्च हो जाएगा आज कल के दिन में। लेकिन दोस्तों इसकी प्राइसिंग की बात कर लें तो दोस्तों ये आपको मिल सकता है 16999 में। जी हाँ दोस्तों, आपको 17,000 का Realme X3 देखने को मिल सकता है। मैं Realme X3 की बात कर रहा हूँ, इसके हायर वेरिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो अगर प्राइसिंग में अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च हो गया ना, तो दोस्तों कमाल मचा देगा, ये धमाल मचा देगा, यानी कि ये बहुत चीपेस्ट स्मार्टफोन हो जाएगा जो दोस्तों 5G प्रोसेसर के साथ आता है एंड 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। मेरे को नहीं लगता कि दोस्तों ये 17,000 में लॉन्च होगा, इतना चीप 17,000 में, मैक्सिमम दोस्तों इसको 20,000 पार करना होगा, क्योंकि दोस्तों इतने अच्छे स्पेक्स के साथ ये 17,000 में नहीं आ सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप Realme X3 के लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं है। मैं दोस्तों अगर आप मेरे से पूछेंगे तो दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूँ Realme X3 सीरीज को लेके, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही चीप प्राइस में लॉन्च होने वाला है, यानी कि बाकी जो 5G स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल है उनके मुकाबले दोस्तों ये थोड़ा सा चीप होगा। एंड दोस्तों बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ आ रहा है यार, ये बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ आ रहा है। एंड दोस्तों इसके लॉन्च डेट के बारे में बात कर ले तो दोस्तों ये कल परसों तक, यानी कि 2-4 दिन में आपको इसके बारे में बहुत अच्छी चीजें पता चलेंगी। एंड जब दोस्तों ये ओरिजिनली पूरी तरीके से पता चल जाएगा तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो दोस्तों उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ठीक है ना।
तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना यार, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर करना, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी यार। उन लोग भी दोस्तों अगर कोई स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को देख के वो थोड़े दिन रुक जाएंगे कि यार रियलमी एक्स 3 ले लेते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। जस्ट डू इट। If you're tired of starting over, stop giving up.